नमस्कार समस्त को मु एस के राउत आज आपण मानी गोटे इम्पोर्टेंट सेशन आणिक आट इज हाउ टू बिकम एन ओईएस ऑफिसर ओडिशा एजुकेशन सर्विस गोटे बहुत स्पेशलाइज सर्विस ग्रेड बी रोत गोटे स्पेशलाइज सर्विस एवं यहाँ एजुकेशन रे गोटे बहुत टॉप कैरियर बना जाए गोटे ओईएस एजुकेशन ओईएस ऑफिसर तार बेसिक काम होची केमती एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन हाउ टू एडमिनिस्टर एजुकेशनल प्रोविजन्स बाय प्रोग्राम्स इन द स्टेट एंड एनश्योर दैट एजुकेशन इज प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी डिजर्विंग पीपल डिजर्विंग कैंडिडेट और स्टूडेंट्स एंड केमी शिक्षार प्रसार और प्रचार हो पार केमती उचित शिक्षा मिल शिक्षार मानदंड जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इनक्रीज हम क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव हो तेणु एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन होची ओईएस रे गोटे मेजर काम से गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहीपर गोटे ओईएस ऑफिसर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कौन सुपरवाइजिंग हैविंग सुपरवाइजरी पावर कंट्रोल ओवर द स्कूल्स इट कम्स अंडर मास स्कूल एंड मास एजुकेशन मिनिस्ट्री तेणु तार बेसिक काम है केमती स्कूल शिक्षा गुड़िक स्कूल शिक्षा गुड़िक केमती ठीक से उचित उपाय देहब एवं उचित बाटर ताकू इम्प्लीमेंट करहब एजुकेशनल प्रोग्राम्स गुड़ा सरकार से ओईएस परीक्षा कराए तेणु ये गोटे हाइली रेस्पॉन्सिबल सर्विस एवं से आर गोटे स्वतंत्र भाव में ओपीएससी द्वारा कंडक्टेड गोटे रिटर्न आउ भाइवस कराए यहाँ एक्सटेनसीवली गोटे कौन बेसिक जिनस छड़ा डीप नॉलेज इन एजुकेशन उपरे गोटे टेस्ट कराए ठीक है से विषय आम आज विचार करवा से विषय आम आज विचार करवा कि केमी जड़े एजुकेशन सर्विस रे क्वालिफाई करी परिबो किछटा बेसिक आइडिया मु तुमको देबी बाकी डिटेल्स हमें डिफरेंट टाइम रे शेयर करी ठीक अछि तो प्रथम वाला ओडिशा एजुकेशन सर्विस ऑफिसर ग्रेड बी स्केल रे सेटा एवं एटा स्कूल ऑफ मास एजुकेशन मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा बा गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एटा कंडक्ट करे ता अंडर आसे यहाँ मिनिमम 21 इयर्स मैक्सिमम हूँ 32 इयर्स जमी जहाँ रही सरकारी सेवापी जहाँ जहाँ रही मिनिमम 21 इयर्स मैक्सिमम 32 इयर्स बाकी एज रिलैक्सेशन जमी जहाँ रही कथा समय एससी एसटी जो रही 5 इयर्स एवं जो मैंने फिजिकली हैंडिकैप्ड अच्छा एससी एसटी आ ओबीसी कैटेगरी 15 इयर्स रोटे एज रिलैक्सेशन दि जाए ठीक अच्छे तो सहित तो एडवर्टाइजमेंट आसो मैंने देखिपर नॉर्म गोटे प्रिस्क्राइब नॉर्म जो सब सर्विस अच्छे से ही सब व्यवस्था एथेरे था तो यार मेन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिया कथा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आम जो देखा एजुकेशन जमती है कि डिग्री थी आवश्यक रोच तेणु गोटे खाली सिंपल ग्रेजुएट जो मान एजुकेशन ना से मर इलिजिबिलिटी न था तेणु प्रथम आदि तीन टा क्वालिफिकेशन आपखिपे गोटे कैंडिडेट्स मस्ट बी ए बैचलर्स डिग्री इन आर्ट्स साइंस और कॉमर्स जहाँ चलो विथ मास्टर्स डिग्री इन एजुकेशन आसो बैचलर्स डिग्री आउ मास्टर डिग्री एम ए इन एजुकेशन थी हम ना मास्टर डिग्री आर्ट्स एंड साइंस एंड कॉमर्स ओके एट मास्टर डिग्री विथ बेसिक नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यहाँ कंपलसरी रोचे कंप्यूटर एप्लीकेशन जेहतु यहाँ इनफॉर्मेशन एज तेणु आईसीटी एज तेणु ए सब सर्विस कंप्यूटर एप्लीकेशन है तेणु गोटे एवरेज कंप्यूटर ऑपरेशनल आइडिया गोटे रहा दरकार गोटे कैंडिडेट रोटा सब सर्विस भी आवश्यक होती मेनसन अच्छे कि ए कैंडिडेट मस्ट हैव बैचलर्स डिग्री एंड मास्टर डिग्री इन एजुकेशन विथ कंप्यूटर एप्लीकेशन बेसिक नॉलेज नहले मास्टर डिग्री एम ए इन आर्ट्स साइंस एम एस सी और एम कॉम और एम ए विथ बैचलर्स डिग्री इन एजुकेशन एमती है उल्टाटा हो पार जो एम ए मास्टर डिग्री एम ए कि एम एस सी कि एम कॉम हो ता छड़ा गोटे बैचलर्स डिग्री थी एजुकेशन तालोले सेटा भी इलिजिबल हम से पिला
एवं नहले इंटीग्रेटेड बीए ऑनर्स बीएड थिबो बीए बीडी नहले बीएससी बीडी फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन विथ मास्टर डिग्री इन आर्ट्स साइंस विथ द बेसिक नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन तेणु बीएड थिबो बीए हो बीएड हो बा बीएससी हो और बीएससी बीडी बीए बीडी और बीएससी बीडी फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन जोटा अच्छे विथ मास्टर डिग्री इन आर्ट्स साइंस विथ बेसिक नॉलेज कौन तो मैंने बीएड प्लस मास्टर डिग्री तो मैंने ए सर्विस गोटे हायर क्वालिफिकेशन दरकार होगी ओब्वियसली जेहेतु यहाँ गोटे बहुत बड़ दायित्वपूर्ण पदवी तेणु गोटे हाईली क्वालिफाइड लोक एथेर इलिजिबल हवा दरकार तेणु प्रथम तो आप निजर क्वालिफिकेशन तैयार कर पार आईदर ऑफ इट वन ऑफ द क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड आईदर यू मे बी ए कैंडिडेट इन बैचलर्स डिग्री विथ मास्टर्स डिग्री इन एजुकेशन और मास्टर डिग्री इन एजुकेशन और मास्टर डिग्री इन आर्ट्स साइंस एंड ग्रेजुएशन डिग्री इन एजुकेशन और बीए बीडी बीएससी बीडी विथ मास्टर डिग्री इन एजुकेशन सो हाइली कॉम्पिटेंट पीपल को एथेर एस्पायर करा होची जो मानकर एजुकेशन रे कैरियर थिबो से माने ही एलिजिबल हे कारण तुमरो रिटेन परीक्षा रे जोरा अछि जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट जोरा तुमरो मेंस पार्ट ता रहउची सेतिरे एजुकेशन ऊपर बहुत एमसीक्यू आसीते ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ठीक अछि नेक्स्ट हम आसीब जोटा हम कहउचे नेक्स्ट आसीब सिलेबस सिलेबस ऊपर दि नजर दबा सिलेबस ता बहुत इंपोर्टेंट थाय प्रथम पेपर हूँ जनरल इंग्लिश जनरल इंग्लिश रो गोटे इनडेप्थ स्टडी दरकार बेसिकली एसेटा बहुत फैक्टर प्ले करे एसेटा कारण एसे 50 मार्क एसे गोटे आसो तेना 50 मार्क गोटे एसेटा से बहुत इंपोर्टेंट करे टेस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड आंसर टू राइट इट तेनालीराम रिटेन थाए प्रायतः रिटर्न पेपर टा सब एमसीक्यू पेपर यहाँ केवल रिटर्न पेपर एसे गोटे सोशियो पॉलिटिकल एजुकेशनल बहुत सारा एसे अच्छी आमर बहुत सारा क्लास भी मुझे ए इंग्लीश जोटा कि तुम बेसिकली मानने इनडेप्थ गोटे नलेज दरकार एजुकेशन प्रोफिशिएंसी दरकार तेणु एसे किसी ग्रामर क्वेश्चन रिचा सिनोनिम एंटोनिम है कि सब र तापर गोटे प्रेसीस एंड लेटर्स ऑन द गिवन सब्जेक्ट्स लेटर्स गुरा यूजुअली तो एजुकेशन रिलेटेड लेटर्स रहा है लेटर्स टू कलेक्टर रिगार्डिंग एजुकेशन है कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को लेटर है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को लेटर है फॉर्मेटटा टे जानकु पड़ो कमी लिखा जाए लेटर गुरा बहुत सारा लेटर आम लिखिपर लिखा प्राक्टिस दरकार एग्जाम पूर्व ठीक है तार एक्चुअल क्राइटेरिया बहुत सारा गवर्नमेंट रो क्राइटेरिया रही लेटर राइटिंग जमी प्रोसीजर लिखा जाए प्रॉपर मेजर जिनस लैंग्वेज स्किल दरकार ये लैंग्वेज स्किल ना सीटा क्वालिफाइड हो पारे कारण गोटे बेसिक नॉलेज जदि इंग्लिश रे ग्रामेटिकल एरर रोथ परीक्षा रे बा सेंटेंस रे कि तुम बेसिक अप्रोच ठीक रो न एवं सेंटेंस फॉर्मेशन रे किसी त्रुटि थी ताले सीटा माने चांस हम्पर कर पारे ठीक अच्छे तेनाली प्रॉपर्ली ग्रामर टा को आग स्ट्रॉन्ग करवा दरकार को बेसिक ग्रामर जो आम 9th-10th लेवल आम पढ़ुचे से ओब्वियसली तो रही थी जदि भी किसी लाकुना थी मेकअप करवा दरकार एसे राइटिंग डेली प्राक्टिस करवा दरकार विभिन्न करेन्ट डेवलपमेंट्स विभिन्न एग्जाम्पल दे कि विभिन्न कौन विभिन्न प्रकार ये एग्जाम्पल्स दे कि करेन्ट लेसिंग करोचटा गोटे डाइवर्सीफाइड आप्रोच रसे रे जोटा कि तुम्हें जेनराली तो कौन आम जोटा गोटे एजुकेटेड लोक हाईली एजुकेटेड लोक जमी गोटे लिखे टेम्परामेंट से टेम्परामेंट दरकार पॉजिटिव आटीच्यूड गोटे मेसेज ओरिएंटेड एसे लिखा दरकार जो थे कि किसीटा निजस्वता निजर ओरिजिनालिटी रोथ ओके तो सहीटा आम भी जिते बड़े कौन सी एग्जाम आसो आम भी लंच करूँ जोटा कि आम ओईएस इंग्लीश भी सीटा मुझे ये कम कर ठीक अच्छे तो यहाँ है इंग्लीश कथा तेणु प्रथम रहा आग एसे तापरे टेस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आउ
पावर टू राइट इट तेणु बहुत सारा इश्यू बहुत सारा जिनस पढ़े क्वेश्चन रे सब जिन ग्रामर है कंपोजिशन है कि तुम वर्ड वर्बल एबिलिटी है कि सिनोनिम एंटोनिम है बहुत सारा जिनस आसीपे प्रोबेबिलिटी थाए एवं प्रेसीज गोटे थाए जो कनसाइज कर जो आबिलिटीटा से गोटे थाए तेणु यहाँ बेसिक रोल प्ले कर एसे ठीक अच्छे तापर आसब जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज रे बहुत सारा पाठ रही बेसिकली जो सब आवरेज गोटे एजुकेटेड लोक अवेयरनेस रहा दरकार गोटे नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स एंड मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट्स विदाउट एनी स्पेशल स्टडी इन द साइंटिफिक सब्जेक्ट्स। नॉलेज इन दुटा पार्ट रहा नॉलेज इन करंट इवेंट्स करंट इवेंट्स गुरा कौन मैंने गवर्नमेंट रिच्छी प्रोग्राम्स है कि कौन सी इवेंट्स है कौन सी स्टेप्स नौ सरकार कौन सी बिजनेस रे ट्रेड रे कौन कौन सब डेवलपमेंट स्पोर्ट्स है जेकोसी एरिया एवरेज वॉल्यूम जनरल नॉलेज माने कौन एवरीथिंग अंडर द सन कम्स अंडर जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेजटा कौन सब विषय साधारण ज्ञान रहा दरकार एवं साइंटिफिक साइंस अप्लाइड साइंस गुड़ा जो बेसिकली इनडेप्थ नॉलेज दरकार नहीं अप्लाइड साइंस गुड़ा जो दरकार जो दैनंदिन जीवन में जो दरकार होमर ह्यूमन मैनेजमेंट सोशल मैनेजमेंट दरकार हो सोशल स्ट्रक्चर पर दरकार हो सब विषय में गोटे गोटे बेसिक आईडिया क्वेश्चन आसपा जो बेसिक साइंस क्वेश्चन गुड़ा आसो करेन्ट डेवलपमेंट्स करेन्ट इवेंट्स ये गोटे मैटर पार्ट तेनाली सब दिन बिफोर When you decide to start a career in education service, sit for current affairs developments. Current affairs सहित acquainted रुहतु एवं current affairs को access करूँ सबुदिन newspaper हला news हला एगुरा टिके सुनिबा उटे अभ्यास रखंतु एवं उटे current question answer quiz बा current answer session रे join करूँ एवं करेन्ट अफेयर्स रोटे किसी मेटेरियल्स भी सब्सक्राइब करूँ सब्सक्राइब करूँ से टच रखु कारण यहाँ वन डे गोटे वन डे अफेयर नुह यहाँ गोटे रेगुलर अफेयर रहा दरकार कारण आम हठात जदि करेन्ट अफेयर पाँच चार मास पूर्व तीन मास पूर्व देखा सेटा एत प्रॉफिटेबल हेनी एम एत हेल्पफुल हेनी क्या आमको प्रति दिन मानने बिफोर व्वेन यू डिसाइड टू स्टार्ट द career in OES and having the requisite qualifications, we have to start current affair preparation on current developments regularly each day half an hour minimum current affair sab rakhun tal seta comfortable hobo kaina apan mane seta dekh lakshya karibe jodi ame porikha purbur basically amar ote kon lakshya thai ki ame current affairs ta seti bale dekhi thoba na current affair ta pura laj kon beginning ru rahya darkar seta upare hele kon hobo na seta auri bahut jagah ku bi help karibo राइटिंग रे हेल्प करिवो तनु गोटे अध घंटे कि घंटे रखंतु करंट अफेयर स्टडी करिवा एवं तार नोट्स गोटे रखिवा गोटे नोट्स करंतु स्पेसिफिकली सेमती इंग्लिश ते भी मु कहे भूल जाइछ कि सेतरे भी गोटे नोट्स रखंतु एसे राइटिंग प्रैक्टिस रखंतु विभिन्न एसे राइटिंग प्रैक्टिस रखंतु एवं बहुत सारा एसे बही गुरा न्यूज पेपर गुरा मेनली देखंतु न्यूज पेपर गुरा आनी देखंतु एवं तार एसे स्क्रिप्टिंग गुरा करंतु करंट जोरा बेसी इंपोर्टेंट टॉपिक्स उपर एसे गुरा कलेक्शन करंतु एवं तं पढ़ंतु कंसाइजली केमती लिखियो त प्रैक्टिस करंतु कारण प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट कारण आम एटा ओवर डे मानने कौन वन डे अफेयर जो कहली नुह सब जिनस भी सी ठीक अच्छे एसे हो एसे करेन्ट अफेयर्स टा कौन तुमको एसे रे बहुत हेल्प कर करेन्ट अफेयर जो तुम पढ़ी थो एसे रे बहुत राइटिंग रे बहुत हेल्प कर कारण से एग्जाम्पल तुम्हें दे पार एवं जोटा कि एसे को लाइव कर गोटे स्ट्रंग कर एसे पॉइंट को मार्क फेचिंग हम ठीक अच्छे तेणु करेन्ट अफेयर इज द फाउंडेसन फर कंपिटेटिव एग्जामिनेसन मु भावे कारण आजिका डेट्रे जिते भी कंपिटेटिव एग्जाम होवन ओईएस आमर भी सेटा करेन्ट रेसींगटा बहुत दरकार आम करेन्ट टू जब दूरे रही तेल आम सर्विस जॉन करने प्रोब्लेम हो पार क्वाफाई करने प्रोब्लेम हो पारे तो सहीटा गोटे बड़ जिनस आमको देखा पड़ो कि डेली करेन्ट अफेयर केमती आम एक्सेस पाई ठीक अच्छे एंड योटा कहली तुम करेन्ट अफेयर डेवलपमेंट आउ गए साइंटिफिक आस्पेक्ट्स भी स्पेशल स्टडी ना भी जनरल आईडिया जनरल सैंस गोटे प्रिपेयर करूँ नाइन टेन्थ लेवल जमीन आम पढ़ुचे कि साइंटिफिक डेवलपमेंट गुरा है विभिन्न टेक्नोलोजिकल आईसीटी डेवलपमेंट गुरा है कि विभिन्न प्रकार जो टेक्नोलोजिकल इनोभेसन्स होपर टी बेसिक आईडिया से पचारि पारते ठीक अच्छे दिस इज द थिंग्स त
तापरे हमें देखिबा जे बेसिकली कौन बेसिकली तापरे एजुकेशन सोसाइटी सोशल चेंज सोशल कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन डिटरमिनेशन ठीक अच्छे एगुरा सब मेजर इटा कौन इटा ला अच्छा अच्छा क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी क्वेश्चंस रिलेटेड गोटे मिनट क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एटा कॉमन इंडियन हिस्ट्री जो देखुचे आम से सीबीएसई जो एनसीईआरटी रो पाठ ये बहुत हेल्पफुल हम बेसिकली क्लास सेवेन एट नाइन टेन इलेवेन इलेवेनटा ट्वेल्वटा एगुरा सब बेसिक आगुरी पढ़ापढ़ी जारी रखु सीटा हिस्टोरिकल इंडियन हिस्ट्री उपर बहुत कम दब नाइन टेन्थर बहुत बेसिक क्वेश्चन आसे एवं इलेवेन टेन्थर जो फ्रीडम स्ट्रगल है कि हिस्ट्री उपर जहाँ जहाँ बहुत टी रिभाइज करूँ तादर नोट्स तैयारी करूँ कारण इंडियन हिस्ट्री क्वेश्चन आम खाली बही जो जिके बही किण की हिस्ट्री पढ़ने हमें बेसिक एनसीईआरटी फाउंडेशन करूँ कारण से मूर स्टार्ट करूँ क्लास सेवेन एट नाइन टेन सेवेन एट टी को देखो नाइन टेन इलेवेन ट्वेल्व को बेसी फोकस करूँ खाली रीडिंग नो ता सहित नोट्स भी जिस्ट भी प्रिपेयर करूँ विभिन्न मैटर गुरा खाता को नहीं आसतु रिभाइज करा गोटे कंटिन्यूस प्रोसेस रहा दरकार ना हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री उपर बेसी क्वेश्चन आसे एंशिएंट हिस्ट्री उपर भी आसो विभिन्न प्रकार हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म है फ्रीडम स्ट्रगल है बहुत सारा क्वेश्चन कांग्रेस ऑल इंडिया नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस उपर भी क्वेश्चन बहुत आसे सेसन्स विभिन्न सोशियो कल्चरल सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स विभिन्न फ्रीडम स्ट्रगल है नन कोऑपरेशन क्विट इंडिया सिविल डिसओबिडियंस क्विट इंडिया एवं ब्रिटिश रो विभिन्न एनाक्टमेंट गुरा एवं जो डेवलपमेंट गुरा है सब ब्रिटिश समय कॉलोनियल समय प्री इंडिपेंडेंट फैक्टर्स गुरा पूरा कब्जा करंतु एवं इंडियन हिस्ट्री उपर गोटे बेसिक आईडिया रख सेटा हमको बहुत टे समय लगे किंतु ताको पूरा कंप्रिहेंसिव करूँ भल बही भी आणतु इंडियान हिस्ट्री भल अथर है विपिन चंद्र है कि एगुरा सब विपिन चंद्र भल बही आस तेनाली भलसे देखु कारण खाली क्वेश्चन वर्कआउट कले हेनी गोटे पढ़ु एनसीईआरटी बेसिकली फोकस करूँ एनसीईआरटी फोकस कले बेसिक क्वेश्चन प्रायत आसे और ही सब बहर सोर्स तेनाली मूल को जी दरकार एनसीईआरटी को फोकस करवा दरकार सेमको बहुत हेल्पफुल हो ठीक अच्छे तापर तुम जियोग्राफी इंडियन जियोग्राफी इंडियन जियोग्राफी ओवरऑल जियोग्राफी उपर कलेक्ट करूँ से एनसीईआरटी रु बहुत किसी आम मैटर पाइपर बाकी किसी अल्प किसी बही रेफर करूँ जो गुरा इंडियान जियोग्राफी है माजिद हुसैन है कि जो गुरा भल भल रईटर्स मानक बही कलेक्ट करूँ गोटे दुटा बही देखु एनसीईआरटी जियोग्राफीटा पूरा देखु सिक्स सेवेन एट नाइन टेन यहाँ पूरा देखु कारण से बेसिक क्वेश्चन बेसिक जिनस तुम्हें आइडिया पाइपर कौन कौन सब मैटर्स अच्छी इंडियन जियोग्राफी से किसी क्वेश्चन आसपे ओडिशा जियोग्राफी भी टी नजर से रखि था ओके जेहेतु ये ओडिशा बेस्ट क्वेश्चन तरह किसी रिलेटेड पचारि पारे तापर तुम जनरल नलेज एजुकेशन उपरू कि आसो तुम जो कोर सब्जेक्ट थी जो मैंने तो एजुकेशन अनर्स पिला एजुकेशन बेड पिला से ही तो परीक्षा देते तेनालीर बेसिक आईडिया सब उपर तो जमी थी फिर भी रिभाइज करूँ और देखूँ कौन कौन कर ठीक अच्छे एवं फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है कंटेम्पोररी वेस्टर्न एंड इंडियन एजुकेशन थॉट्स एगुरा सब जो अच्छी कोर्स तुम्हें जोटा आप जो अनर्स हो कि बेड रे हो पढ़ा जा रिभाइज करूँ और एमसीक्यू जदि ना प्रिपेयर करूँ और जब एमसीक्यू मिलूक आभाइज करा है मेन जिनस कहना जी आम मेन पार्ट यहाँ जी एमें स्कोर न कले से हे तो बेस स्कोर नईपर से पार्टा है दिस इज ऑल अबाउट योर जनरल नॉलेज जनरल नॉलेज उपर आम यहाँ रहा जिनस जोटा देखिपर ठीक अच्छे तापर आम आसवा सरी यहाँ तुम एजुकेशन एंड सोसाइटी गोटे रोचे सोशल चेंज सोशल कंट्रोल प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन डिटरमिनेंट्स ऑफ कल्चर कल्चर एंड एजुकेशन सब वैरायटी जिनस रोचे एजुकेशन एजुकेशन साइकोलॉजी एजुकेशन साइकोलॉजी सब डिविजन कर दी लर्निंग है नेचर एंड स्कोप ऑफ लर्निंग थ्योरीज ऑफ लर्निंग लॉज ऑफ लर्निंग ट्रांसफर एंड ट्रेनिंग जोटा कि आपने सिलेबस कवर करेंगे से खाली रिभाइज करवा दरकार बहुत सारा जिनस अच्छी तेनालीरु से नजर कर इंडिविजुआल डिफरेन्सेस डिफरेन्सेस ड्यू टू हेरीडिटी एंड एनवायरमेंट टाइप्स एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेन्सेस एगुरा सब तो तुम कोर पाठ जोटा उपरे टेस्ट हम तेनालीरु को टी जेहतु ए कंफर्टेबल आपने रिभाइज करूँ रिभाइज कले कौन हम
ना से मार्क ओरिएंटेड रही है ठीक रही है कारण से आम कोर एरिया से आम जब स्कोर न करपर हे तो आम अगर स्कोर जो मैंने टी प्रिपेयर हे से स्कोर करेंगे तेणु समस्ते इतना चेष्टा करूँ किटा के भल भाव रिभाइज हे भल बही आटेरियाल आकु भलसे रिभाइज करूँ ठीक अच्छे तापर तुम्हें आसवा तुम कौन एजुकेशन सैकल एजुकेशनल प्रोविजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इंटेलिजेंस एगुरा तो सब तुम रोचे नेचर एंड मेजरमेंट स्पेशल एबिलिटीज एंड देयर मेजरमेंट टेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन पर्सनालिटी एंड इट्स मेजरमेंट डेफिनेशंस ट्रेट ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑल दिस थिंग्स आर कवर्ड अंडर योर इन योर सिलेबस तो सीटा देखिए एडजस्टमेंट मेंटल हेल्थ एडजस्टमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट फ्रस्ट्रेशन एंड कॉम्प्लेक्सेस डिफेंस मेकानिज्म बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इन स्कूल्स बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ऑल दिस थिंग्स यू मस्ट हैव कवर्ड इन योर स्टडी डेज तो सहीटा को रिभाइज करवा दरकार आप पूरा थर हूँ और एम सी क्यू प्रिपेयर करते कारण ये एम सी क्यू बेस्ड क्वेश्चन आमर कौन ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन माने से तुम्हें कौन ठीक से भलसे देखा पड़ो ठीक से जाना पड़ा और डाटा ओरिएंटेड कारण ऑब्जेक्टिवटा बेस रिस्की था सब्जेक्टिव रु कारण से कौ डीपली पाठ पढ़ी पारे कौट इंटरनाल पढ़ी पारे जो पढ़ला बेल स्कीप करदे पारू तेणु तार डिटेल्स गुरा माइनटली अब्जर्व करा पड़ो टीट बै बिट बै बिट अब्जर्व करा पड़ो बिट बै बिट अब्जर्व कले प्रोग्रेस हो पार नल प्रोग्रेस हेन ठीक अच्छे दैट इज द थिंग्स एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आसो देन तुम देन यहाँ सिलेबस तुमको बहुत समय कही पारना कारण यहाँ तुम्हें बहुत समय नब तेनाली भलसे देखिए भलसे भल भाव ये करेंगे जापर केमती कौन क्वेश्चन आसव ठीक अच्छे तो दिस इज द एजुकेशन एंड योर सुपरविजन भी सेमती आस कनसेप्ट स्कोप्स एंड प्रिंसिपल्स ऑब्जेक्टिव्स प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक्स जोटा कि मेजर पार्ट ऑफ एजुकेशन ऑफिसर्स सर्विस ओईएस ऑफिसर्स तेना सुपरविजन है मेन कम तेनाली क्वेश्चन रहा एजुकेशनल फाइनेंस कनसेप्ट स्कोप्स प्रिंसिपल्स सोर्स ऑफ इनकम सेंट्रल स्टेट लोकल एंड प्राइवेट ग्रांटिंग एड एजुकेशनल एक्सपेंडिचर ये गोटे पार्ट ये गोटे सेगमेंट जहाँपुर आमको बेसिक आइडिया दरकार हो ठीक अच्छे ये मैंने सब एजुकेशन रिलेटेड रोचर तुम कौन इंडिविजुआल डिफरेन्सेस इंटेलीजेन्स गलापर ऑब्जेक्टिव सुपरविजन देन टीचर्स मेंटल हेल्थ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन प्रिंसिपल्स स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड देयर फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इट प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन डेमोक्रेसी देन एजुकेशनल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एजुकेशनल अथॉरिटीज सेंट्रल स्टेट लोकल देयर एजुकेशन कौ सब्जेक्ट गोटे एजुकेशन टा गोटे कनकरेन्ट सब्जेक्ट तेणु बोथ सेंटर आउ स्टेट अथॉरिटी अच्छी तेणु से सब कौन कौन क्या अथॉरिटी दि जाइए कौ क्षेत्र में प्राइमरी एजुकेशन हाई स्कूल एजुकेशन हायर एजुकेशन एगुरा सब क्या क्या सब दायित्व दि जाइए एजुकेशनल अथॉरिटीज सेंट्रल स्टेट एंड लोकल देयर ऑर्गेनाइजेशन पावर्स एंड फंक्शंस इंपोर्टेंट सेंट्रल एजेंसी सच एज यूजीसी एनसीईआरटी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड योर इवन नेशनल मेडिकल कमिशन्स एगुरा सब जो मैंने एजुकेशन रिलेटेड अच्छा AICTE है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन है कि नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यहाँ है कि तुम जेकोसी एजुकेशनल संस्था अच्छा बेसिक आइडिया पर रोचे एजुकेशनल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट से कौ कौ मिनिस्ट्री क्या डेवलपमेंट अच्छी कौ कौ डिपार्टमेंट कम करुच्ची किए किए एम्पावर्ड अच्छा एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने एजुकेशन को स्ट्रेस देवाई से सब उपर गोटे बेसिक आइडिया दरकार गोटे गोटे कंस्ट्रक्टिव कवरेज गोटे दरकार जोटा कि आम करवा दरकार ठीक अच्छे नेक्स्ट हूँ तुम प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च फाइव इयर प्लांस जोटा भी आम फाइव इयर प्लांस ट्वेल्व फाइव इयर प्लांस तेणु एगुरा उपर टे देखिए प्रति प्लान पीरियड कैरेक्टरिस्टिक्स कौन थिला एवं कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक्स रे सब हो प्लान जमी धर इलेवेन प्लान इनक्लूसिव ग्रोथ है ट्वेल्थ प्लान सो टुडे देर इज नो देर आर नो फाइव इयर प्लांस एज डेज बिन
प्लानिंग कमिशन हैज बीन एबोलिश द रीजन फॉर प्लानिंग कमिशन कहीं रिजन करागला कहीं प्लानिंग कमिशन एबोलिश करागला नीति आयोग कौन इम्पोर्टेन्स रही कौन कौन कले नीति आयोग नीति आयोग गोटे जो इमेज कौन बा तार डिफरेन्स कौन बिटवीन द प्लानिंग कमिशन एस टू हेल्थ प्लानिंग कमिशन एंड नीति आयोग एवं नीति आयोग कौन फोकस कर प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरालिज्म तो नीति आयोग कौन ऑब्जेक्टिव्स अच्छी कौन मैंडेट अच्छी तापर टी नजर करते हैं फाइबर प्लांट्स गुरा कौन मानने इलेक्वेंटली देखते प्रति फास्ट रू पूरा ट्वेल्थ जाए टे नजर दिखाँ कौ कौ प्लान जस्ट ए सर्ट रिव्यू ऑफ द प्लांट्स एंड इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी एजुकेशनल और हैंडिकैप्ड चिल्ड्रेन तापरे रिसर्च इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ओके सो दैट इज द पैटर्न ओपीएससी एजुकेशनल सर्विस ऑफिसर्स एग्जामिनेशन पैटर्न यहाँ सब गल आम देखिले सिलेबस पूरा ठीक अच्छे सिलेबस देन योर इज इटा दिस आर ऑल अबाउट सिलेबस तेणु बेसिक आम देखिले कि ओईएस परीक्षा रे इंग्लीश गोटे वाइटल रोल प्ले कर जनरल नॉलेज भी वाइटल रोल प्ले कर मान जनरल नॉलेज भी रोचे एवं तापर तुम एजुकेशन उपर बहुत सारा एरिया रोचे तेणु सी भी गोटे काउंटेबल फैक्टर रोचे तुम सर्विस तेणु बेसी किसी तुमको लेबर करा पड़बन कारण आपुकेशन प्रिपेयर थे केवल जनरल नॉलेज आ इंग्लीश टी देखीदे हम इंग्लीश इनिशिएटिव निजाए मुझे बहुत थर भी ओईएस क्लास नहीं इंग्लीश क्लास बहुत सारा पिला मोर अच्छा जो मैंने ओईएस क्वालिफाई कर तेणु आम जितेबाला एजुकेशन सर्विस बाहर ओपीएससी आडा ओपीएससी आम इंग्लीश भी स्टार्ट कर सब्जेक्ट जनरल नॉलेज भी आम क्लास स्टार्ट करूँ ठीक अच्छे से लुकआउट रे तेणु यहाँ तेणु टोटाल रिटर्न टेस्ट है 350 आउ भाइबा है 150 तो मैंने टोटाल 500 परीक्षा हे तो थी जहाँ कटअप जी बहुत कटअप भी जाए तेणु यहाँ जेहेतु स्पेशलाइज्ड एग्जामटा ए तुम टे रहा ठीक अच्छे मैंने कटअप अधिकार तो ये मुझे सेक्शन व्वज करदे इंग्लीश 100 मार्क एंड 2 आवर्स जनरल नॉलेज 100 मार्क 2 आवर्स एजुकेशन 150 रे एजुकेशन टा एक्सटेनसीव हेले भी 150 रोचे तेनाली माइनटली देखिए कौन एग्जाम आसो यहाँ रिटर्न रु सब एमसीक्यू पैटर्न ऑब्जेक्टिव यहाँ केवल रिटर्न पैटर्न रेटा राइटिंग कर ठीक अच्छे एवं एगुरा सब जेहेतु हाइली मानने स्पेशलाइज्ड सर्विस ग्रेड बी रेणुतापी गोटे डेप्थ इनडेप्थ स्टडी दरकार या लाइट हार्टेड मैं गोटे सुपरफिशियल प्रिपेरेसन करें ठीक से देखिए बस ठीक से पढ़े एवं इंग्लीश रे कमांड टी रखा दरकार कारण इंग्लीश रे कमांड रे बहुत जिनस उधार पाई ठीक अच्छे तेणु एगुरा टी नजर रखिए जनरल नलेजटा पूरा डे वन रु स्टार्ट करेंगे इंग्लीशटा भी डे वन स्टार्ट करेंगे बाकी जेहेतु आपने एजुकेशनिस्ट एजुकेशन रे स्टूडेंट बा एजुकेशन पास करेंगे बीएडी हूँ एजुकेशन अनर्स हो कि एजुकेशन रे मास्टर डिग्री हो तेणु तापर आपत असुविधा हेनी फिर भी रिभाइज करेंगे कारण रिभाइज नक लाइट हार्टेड हो बहुत पिला से भावते कि एरिया बहुत पिला तथापि भी क्लास कराए एजुकेशनल साइकोलॉजी है गोटे बहुत इंपोर्टेंट पार्ट रहा है प्लानिंग है सुपरविजन है अपडेट हवा दरकार नहीं कि अपडेट हवा दरकार तेणु एजुकेशनल जो रही जो कंट्रोल मेकानिजम गुरा जो गुरा सब इनिट्यूशनल आरेजमेंट गुराक अपडेट हो सब तेनालीर कौन कौन अपडेट होकर रिलिवेंस अच्छे कौन से करूँ कौन क्राइटेरिया तेनालीटा तो प्रायत आप मानने कोर्स समय जो तुम रेगुलर एजुकेशन समय से सब कभर करेंगे किंतु जेहेतु जो मैंने फ्रेशर थे से तो अपडेट थे जो मैंने टी बहुत दिन तले बीएड करते एम एडी करते रिभाइज करवा बहुत आवश्यक मुझे भावुँची कारण से रिभाइज नक बहुत कौन करेन्ट रेलिभांटर क्वेश्चन आसा किसी गोटे मानने कौन आउटडेटेड क्वेश्चन आसवि तेणु से करेन्ट सहित एजुकेशन सहित आप लिंक रखु केमी कौन सरकार कौन स्टेप नौचे कौन कौन चेंजेस एजुकेशन फील्ड रे जो रेस्पेक्टिव फील्ड ठीक अच्छे एवं टोटल मार्क 350 एवं 2 आवर्स सब रही ठीक अच्छे तो यहाँ गोटे मेजर जिनस रहा
ଏବଂ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ହାଇଲି ଏଜୁକେଟେଡ୍ ପିଲା ଏଥିରେ ଆପିୟର୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁଆର୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଅର୍ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଥିବେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣା ଆପଣା ହୋନା ଚାହିଁ ଠିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯେଉଁ କଥାଟା କୁହାଯାଏ କି ଏଇଟା ପ୍ଲାନିଂ କରିବ ସେଇ ପ୍ଲାନିଂ କରିବ ତା ତ ଠିକ୍ କଥା ବଟ୍ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁଟା ଓଭରଅଲ୍ କହିଦେଲେ ଭଲ ହେବ କି ଟାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ କାରଣ ଟାଇମ୍ ଇଫ୍ ୟୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଟାଇମ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭଲି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ରିଟର୍ନ ତେଣୁ ବାକି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ବି କରନ୍ତୁ କେଉଁଟା ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଧର ତିନିଟା ପାର୍ଟ ରହିଲା ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ ସବଜେକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ କାହାକୁ କେତେ ସମୟ ଦେବେ ଯଦି ଇଂଲିଶରେ ଆପଣ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ପିଲା କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିପାରନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାନ୍ତି ତ ସେଇଟା ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେବା ଦରକାର ସେଇଟା ହେଇଯାଉ ତ କିନ୍ତୁ ଏସେ ରାଇଟିଂ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ ଆପଣ ବିଇଡ଼ି ଲାଇନ୍ରେ ଥିବେ ଏଜୁକେସନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଜେନେରାଲ୍ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ ନ ହେଉଥିବେ ତାହେଲେ ଯଦି ହେଉଥିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ ତେଣୁ ତାକୁ ବୁକ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ କରନ୍ତୁ ଖାଲି ମେଟେରିଆଲ୍ ବା ଜିକେ ବହି ନେଇକି ପଢ଼ିଲେ ହେବନି ସେଇଟା ବୁକ୍ କାରଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଟିକେ ହାୟର୍ ଲେବୁଲ୍ର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ତେଣୁ ତାକୁ ବୁକ୍ସ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ବେସିକାଲି NCERT ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ ପୁରା କ୍ଲାସ୍ ସେଭେନ୍ ସେଭେନ୍ ଏଇଟ୍ ନାଇନ୍ ଟେନ୍ ଇଲେଭେନ୍ ଟୁଏଲ୍ଭର ସବୁ ବହିଗୁଡ଼ା ପୁରା ଆନାଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ଡିପ୍ଲି ସେଇଟା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ନଲେଜ୍ ପଳେଇ ଆସିବ ଏବଂ ତାକୁ ନୋଟ୍ସ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ନୋଟ୍ ମେକିଂଟା ମେନ୍ ଖାଲି ପଢ଼ିଲେ ହେବନି ତାକୁ ନୋଟ୍ ମେକିଂ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟ୍ ମେକିଂରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେଇଟା କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କେତେ ନୋଟ୍ସ ହେଲା ସବୁ ଡେଲି ରେଗୁଲାର ଯେତିକି ବି ପଢ଼ିବେ ତାକୁ ନୋଟ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଧର ଆଜି ସେଭେନ୍ଥର ଗୋଟେ ଚାରି ପେଜ୍ ପଢ଼ିଲେ ସେଭେନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ର ତ ସେଥିରୁ କ'ଣ ଜିଷ୍ଟ ବାହାରିଲା ତାକୁ ନୋଟ୍ସକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ ଚାରି ପେଜ୍ ଆଉ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଫର୍ଦର୍ ଏ ନୋଟ୍ସଟାକୁ ଦେଖିଦେବେ ତେଣୁ ଯେତେ କନ୍ସାଇଜ୍ କରିକରି ଯାଆନ୍ତୁ ହେଲା ଖାଲି ସେଇ ବହିଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିଲେ ହେବନି ତା ଦେହରୁ ଜିଷ୍ଟ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ NCERTର ବହୁତ ସୁବିଧା କ'ଣ ତା'ର ବହୁତ ସାରା ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଥାଏ ବହୁତ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ତେଣୁ ତାକୁ ନୋଟ୍ସ କରନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ NCERTର ପ୍ରତି ଚାପ୍ଟର୍ ଏଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆନାଲିସିସ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଛି ବକ୍ସରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଗୁଡ଼ା ତ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କଥା କୁହାହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ମେଜର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ହେଉଛି ଟାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତ ମୋ ମତରେ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମତଃ ରେଗୁଲାର ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରେଗୁଲାର ଯଦି ଆଟ୍ ବେଷ୍ଟ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ 5 to 6 hours ଦିଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ 1 year ଗୋଟେ ନିଅନ୍ତୁ 1 year ହେଇଯିବ କୋର୍ସ କଭରେଜ୍ ହେଇଛି ଇଫ୍ ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଟୁ ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଆପିୟର୍ ଇନ୍ ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ OES 2023 ତେଣୁ Day 1 ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ମାନେ ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଜି ବି କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ସେଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ବସିଯାଆନ୍ତୁ 5 to 6 hours ଦେଖନ୍ତୁ ନୋ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ସର୍ଭିସ୍ କରିଥିଲେ ବି ମିନିମମ୍ 4 to 5 years ଦିଅନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜ୍ ସର୍ଭିସ୍ ତେଣୁ ଟାଇମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୋଟେ ହେଲା ମେଜର୍ ଜିନିଷ ହେଲା 5 to 6 hours ରେଗୁଲାର ୱିଦାଉଟ୍ ଫେଲ୍ ଯଦି ଇନକେସ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା କିଛି ଏନ୍ଗେଜ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ 4 hours ଦିଅନ୍ତୁ ନାଇଁ କି କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ ଲେବର୍ ନେଭର୍ 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 ଗୋଜ୍ ଲଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମ କେବେ ବୃଥା ଯିବନି ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖନ୍ତୁ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ତ ହାଇଲି ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଥିବେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଫିୟର୍ କରିବେ ଏସବୁ ବିଷୟ କିଛି ଗୋଟେ ଜଣେ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ବା ଏଇଟାର କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଟାଇମ୍ ହେଲା ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଟାଇମ୍ ନ ଦେଇପାରିଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି ଆମେ ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ହେବନି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସିଜ୍ଲେସ୍ ଏଫର୍ଟ ସିଜ୍ଲେସ୍ ଏଫର୍ଟଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଇଟ୍ ବିଗେଟ୍ସ ସମଥିଙ୍ଗସ୍ ତାପରେ ମେଜର୍ ହେଲା Number 2 ପ୍ରପର୍ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରପର୍ ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତୁ ପ୍ରପର୍ ପ୍ଲାନିଂ ମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମେକ୍ ଏ ରୁଟିନ୍ କାହାକୁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ନେବେ କାହାକୁ କେଉଁ ଦିନ ମାନେ ରେଗୁଲାର ଗୋଟେ ୱିକ୍ଲି ବା ମନ୍ଥଲି ରୁଟିନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଇଁକୁ ୱିକ୍ଲି ରୁଟିନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଟପ୍ ଏରିଆ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ କଭର୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆଗ ଦିଅନ୍ତୁ 2-3 days ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ୱିକ୍ରେ ସବୁ ବିଷୟଟା କଭର୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ୱିକ୍ରେ ପୁରା ଖାଲି ଇଂଲିଶ ପଢ଼ନ୍ତୁନି ମନୋଟୋନି ଆସିଯିବ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଓଭର୍ ଆଣନ୍ତୁ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ ରେଗୁଲାର ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ କହିଲି ତୁମର ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର୍
ଯେଉଁଟା ଅଛି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଏଗୁଡ଼ା ତ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ହେଲେ ତା ଭିତରେ ରହିବ ସେଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ରିଡିଂ କରିବା ଇଏ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ ଯାହା ରଖିବା କଥା ଯଦି ମିନିମମ୍ଟା ମୁଁ କହୁଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତ ଯାହା ଦେଇପାରିବେ ଆପଣ ବଢ଼ିଆ କଥା ତ ମିନିମମ୍ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର୍ ଡେଲି ରଖନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଲେସିଂ ହେଲା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଟିକେ ଦେଖିବା ଯାହା କରିବା ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଟର୍ନକୁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ଧର ଇଂଲିଶଟା ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ରିସ୍କି ଏରିଆ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ବହୁତ ପିଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ ନିଅନ୍ତି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି କ୍ଲାସ୍ ଦେଇଛି କି ସେମାନେ ବହୁତ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ହାଇଲି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପିପୁଲ୍ କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ ତାଙ୍କର ରାଇଟିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଠିକ୍ ରହେନି ବହୁତ ସାରା ଲେଖା ଆମେ ଦେଖିଛି ବହୁତ ସାରା ଲେଖା ମୁଁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିଛି ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି ତେଣୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟଟା କେମିତି ହେବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ରଖିବେ ତେଣୁ ଏସେ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଏସେଟା ଲେଖି ଦେଇ ଆସିବି ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ୟୁ ୱିଲ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ ଏସେ ଆଣ୍ଡ ଦେ ୱିଲ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଇଭାଲୁଏଟେଡ୍ ବା ପ୍ରପର୍ଲି ମାର୍କ ନୋ ୟୁର୍ ଏସେ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଦ ମେସେଜ୍ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଦ ଥ୍ରବ୍ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଦ ଥ୍ରିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମଷ୍ଟ ବି କନ୍ଭିନ୍ସିଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଏସେଟା ଏରର୍ ଫ୍ରି ରହିବା ଦରକାର ଗ୍ରାମାଟିକାଲି ଏରର୍ ରହିବନି ଦେ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଏନି ସିଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଫ୍ରମ୍ ୟୁ ସୋ ଡୋଣ୍ଟ କମିଟ୍ ସିଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁ ପ୍ଲାନିଂ ଯେଟା ଏଇଟା ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂ ମୁଁ କହୁଛି ଏଥିରେ କାହିଁକି କରାଯିବ ମାନେ ମେନ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଆପଣ ର ଅଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦିଅନ୍ତି ଧର ଯେଉଁ ଜଣେ ଇଂଲିଶରେ ର ଅଛି ତାହେଲେ ଇଂଲିଶରେ ସେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଦେଉ ସପ୍ତାହରେ ଥ୍ରାଇସ୍ ଫୋର୍ ଟାଇମ୍ସ ରଖୁ ଇଂଲିଶକୁ ରଖିବ କ'ଣ ନା ଗ୍ରାମାର ଟିକେ ଦେଖିବ ଗ୍ରାମାର ଟିକେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବ ଟେନ୍ଥ ବହିର ନାଇନ୍ଥ ବହିର ସବୁ ନାଉନ୍ ଭର୍ବ ଏଗୁଡ଼ା ଯାହା ସବୁ ଦେଖିଦେବ ତାକୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ା କରିବ ଏସେ ଲେଖିବ ପ୍ରେସି ଗୁଡ଼ା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ତାପରେ ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ର କେଉଁ ପାର୍ଟଟା ଆପଣ ପର ଅଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଧର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ଆପଣ ପୁରା ର ତେଣୁ ମାନେ ଇଟ୍ ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି ପ୍ଲାନ୍ ୱିଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ପର୍ସନ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ପର୍ସନ୍ ପର୍ସନ୍ର କନ୍ସେପ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବ ପର୍ସନ୍ର ଆବିଲିଟି ଉପରେ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବ କାହା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ହେବ ଯଦି ମୁଁ ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବି ଯେଉଁ ଏରିଆ ପୁଅର ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଚାପ୍ଟର ଦେଖିଦେଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନି ତାହେଲେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଖାଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲେ ହେବନି ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ୱିଥ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ୱିଥ୍ ଦ ଟେକ୍ସଟ୍ ବିକଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ୱିଥ୍ ଟେକ୍ସଟ୍ ୱିଲ୍ କନ୍ଭିନ୍ସ ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ଏରିଆ ଆଣ୍ଡ ଆକର୍ଡିଂଲି ୱିଲ୍ ଆଟେଣ୍ଡ ଦ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ନୋ ଇସ୍ୟୁ ଗଟ୍ ଇଟ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗ୍ସ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ସ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ କିପ୍ ଇନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ପିଲା ଖାଲି MCQ କରିବାରେ ଲାଗନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଏ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେଲ୍ ଅପନ୍ ୟୁର୍ ଇନ୍ଡେପ୍ଥ ଆବିଲିଟି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ରିକ୍ୱାର୍ ୟୁର୍ ଇନ୍ଡେପ୍ଥ ଆବିଲିଟି ଇନ୍ଡେପ୍ଥ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଇନ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେୟାରଫୋର୍ ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲାନିଂଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ କେତେ ସମୟ କାହାକୁ ଦେବେ ରେଗୁଲାରିଟି ରଖିବେ ସବୁ ରେଗୁଲାରିଟା ହେଲା ବଡ଼ ଜିନିଷ ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ଲାନିଂ ରଖିବେ ପ୍ଲାନିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିର ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ପ୍ଲାନିଂ ପ୍ରପର୍ ପ୍ଲାନ୍ ଯଦି ଆପଣ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଫେଲିଓର ହେଇଛି ଏବଂ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସେଲ୍ଫ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ରଖନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପିରିଓଡିକାଲି ଗୋଟେ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜକୁ ନିଜେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ କି ଗୋଟେ ଏସେ ଧରାଯାଉ ଏସେ ଗୋଟେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଲେଖନ୍ତୁ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବି ୟୋର୍ ଓନ୍ ଜଜ୍ ନିଜେ ଆଗ ନିଜର ଜଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନିଜେ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରନ୍ତୁ କାରଣ ନିଜେ ଆପଣ ଜଣେ ଯେହେତୁ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନିଷ୍ଟ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ଥିବେ କି ଯାହା ଥିବେ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବେଟର୍ ଏରର୍ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିପାରିବେ ନିଜେ ଆଗ କନ୍ଭିନ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଲେଖାଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ନିଜେ ଠିକ୍ ହେଲେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଟିଚର୍କୁ ଆସିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ବି ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ କି ସେମାନେ କ'ଣ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ବହୁତ କଥା ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବାର ଦେଖିଛି କି ପିଲା ସେଲ୍ଫ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ପରେ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହୁଏ ଆମେ ଆମ ଲେଖାକୁ ଜମା ଦେଖୁନି ଭାବୁ କି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା ଆମେ କେଉଁଠି ଜେନେରାଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖିଦେଉଛେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା ବଟ୍ ଏଇଟା ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖାଟା ବା ଏ ଏସେଟା ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତେଣୁ ଯାହା ହେଲେ ପ୍ରପର୍ଲି ଇଭାଲୁଏଟେଡ୍ ହେବ ଦେ ୱିଲ୍ ଅବଜର୍ଭ ମାଇନ୍ୟୁଟ୍ଲି ଦେ ୱିଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନ୍ ମାଇନ୍ୟୁଟ୍ଲି ପ୍ରପର୍ଲି ଟୁ ଏନ୍ସିଓର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ରିଟର୍ନ ଏ ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଜିବୁଲ୍ କରେକ୍ଟ ଏସେ
ତ ସେଇଟା କହୁଛି। ସେମିତି ଗ୍ରାମାର ପାର୍ଟ ଧର ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମାରକୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ, ଗ୍ରାମାର ଟିକେ କଭର କରିଦିଅନ୍ତୁ। 9th-10th ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାର ବହି ସେଇଟା ଏନଫ୍। ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତୁ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ସଟ ବି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ବେସିକ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ବେସିକ୍ ଆଇଡ଼ିଆଟା ଯାହା ଥିବ ରିକଲେକ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ୱାର୍ମ ଅପ୍ ହେଇଯିବ ନାଇଁ କି। ସେମିତି ଧର ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ୍ର ଜିଓଗ୍ରାଫି ହେଲା, ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା, କି ତୁମର କରେଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା, ଏଗୁଡ଼ା କେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି, ତାକୁ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ା ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ, ତ ଆକର୍ଡିଂଲି ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେଲ୍ଫ ଇଭାଲୁଏସନ୍ଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତୁ, କେତେଟା ଠିକ୍ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସ୍ଏ ଗୋଟେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଏସ୍ଏ ଲେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରାମାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କିଛି କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରାମାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ସବୁ ବିଷୟରେ କରନ୍ତୁ, ସାଇନ୍ସ ହେଲା, ବେସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ହେଲା, ଜିଓଗ୍ରାଫି ହେଲା, ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଯାହା ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି ସବୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ତା'ର ରେଗୁଲାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ରଖନ୍ତୁ। ସେଲ୍ଫ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ସେଲ୍ଫ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ନ ରହିଲେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଗଜ୍ କରିପାରିବେନି, କିଛି ଗୋଟେ ଧରିପାରିବେନି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେଜର୍ ଜିନିଷ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେଜର୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାଏ ଏଇ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବା ଆମେ କି କ'ଣ, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ କଲେକ୍ଟ କଲେକ୍ଟ ପ୍ରପର୍ ମେଟେରିଆଲ ବା ବୁକ୍ସ, ଏଇଟା ତ ରହିବ ଫାଷ୍ଟ ରହିବା କଥା, ମେଟେରିଆଲ ଆଣ୍ଡ ବୁକ୍ସ, ମେଟେରିଆଲ ଆଣ୍ଡ ବୁକ୍ସ, ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରପର୍ଲି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, କଲେକ୍ଟ ପ୍ରପର୍ ମେଟେରିଆଲ ଆଣ୍ଡ ବୁକ୍ସ, ଠିକ୍ ସେ ମେଟେରିଆଲ ଭଲ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଯେଉଁଟା କହିଲି, ଏନ୍ସିଏଟି ବୁକ୍ସ ହେଲା, ସେମିତି ଧର ହିଷ୍ଟ୍ରିର ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ବହି ହେଲା, ବହୁତ ପପୁଲାର ବହି ଗୁଡ଼ା ଆଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଟା ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ସୋର୍ସ, ଚିପ୍ ସୋର୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆଣନ୍ତୁ, ଏବଂ ବୁକ୍ସ ଆଣନ୍ତୁ, ମେଟେରିଆଲ ଆଣନ୍ତୁ, ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ମେଟେରିଆଲ ଆଣନ୍ତୁ, ତାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବେଶୀ ପଢ଼ିବା ଦରକାରନି, ପ୍ରପର୍ ସୋର୍ସରେ ପ୍ରପର୍ ଜିନିଷ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଚିପ୍ ଜିନିଷ ସୋର୍ସରୁ ଆମେ ଆଣିପାରିବାନି, ଚିପ୍ ସୋର୍ସ ପଢ଼ିଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ କଲେକ୍ଟ ପ୍ରପର୍ ମେଟେରିଆଲ ଆଣ୍ଡ ବୁକ୍ସ ଅଛି, ଇଂଲିଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ଇଂଲିଶର ଏସ୍ଏ ପାଇଁ ତ ବେସିକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଗୁଡ଼ା ଡିଲ୍ କଲେ ଭଲ, ନହେଲେ ଜର୍ନାଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଡିଲ୍ କରିବେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଜର ଜିନିଷ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ରହିବ। ତାପରେ କ'ଣ, ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆଡ଼ ଓପିଏସ୍ସିରେ ଆମେ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ, ଆଇ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଯଦି ପସିବୁଲ୍ ହୁଏ ଇଂଲିଶ ଆନାଲିସିସ୍ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ କ୍ଲାସ୍, ତ ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆରେ ଆମେ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆଣିବୁ, ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଗୋଟେ ଆକ୍ସେସ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରପର୍ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଆଡ଼ପ୍ଟ, ଏବଂ ଏ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ଥାଏ, ତେଣୁ ଆ ଉପରେ ନଜର ଦେବେ, ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ କେବେ ବୃଥା ଯିବନି, ତାକୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ ନେବେ, ଠିକ୍ସେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ, ପ୍ଲାନିଂଟା ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସକ୍ସେସ୍ ଆମର ଆଚିଭ୍ ହେବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଏ ଭେରି ରିସ୍କି ଥିଙ୍ଗସ୍ ଫର୍ ଅସ୍। ଓକେ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସେ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଓକେ, ୱାଚ୍ ଦ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣ୍ଡ ହାଭ୍ ୟୁର୍ କମେଣ୍ଟସ୍, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ କମେଣ୍ଟସ୍, ଏନି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟସ୍, ସେଇ ସେଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ ୱାଚ୍ କଲାବେଳେ ସେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ୱିଲ୍ ଲୁକ୍ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। So before bidding you goodbye, I will take to you some strategic courses ADA UPSC is launching, any the premier courses for the warriors, it OS UPSC OCS foundation course, it jo mane known thibe ki jo mane career start koriyau chanthi, it a better course expert manko dara, ଏଥିରେ ମୁଁ ବି ଅଛି, ବା ପ୍ରାଉତ ସିନିୟର ଫାକଲ୍ଟି ରହୁଛନ୍ତି, ଜୁନିୟର ଫାକଲ୍ଟି ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗାଇଡ଼ କରିବେ, ପ୍ରିଲିମ ମେନ୍ସ କମ୍ବାଇନ୍ ଏଇଟା ଅଛି, ଏବଂ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ କନ୍ଭିନ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ୍ ମାଇ କୋଡ଼୍ 963963 କୋଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କଲେ, ମୋର କୋଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କଲେ Y963 ଏଇଟା ଇଏ ଆସିବ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଓପିଏସ୍ସି ମଞ୍ଜିଲ ବ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ପ୍ରିଲିମ କୋର୍ସ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରାହେଇଛି, ଏବଂ ଏଥିରେ ବି ସେମିତି କୋର୍ସ କୋଡ଼୍ ଆଭେଲ୍ କଲେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ 2500 MCQ ଡିସ୍କସନ୍ କରାହେଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ତୁମର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଛି, ଏସବୁ ଓପିଏସ୍ସି 2000 ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ 35
टोटल टेस्ट सीरीज रही जनरल स्टडीज बही अच्छी ऑब्जेक्टिव एक हजार क्वेश्चन अच्छी जोटापे सबुति आपने मो कोड यूज करें 9 6 3 Y 9 6 3 यूज करें डिस्काउंट अच्छी तो यह सब अथेन्टिक सोर्स आम प्रिपेयर कर 247 ठीक अच्छे नेक्स्ट है तुम नेक्स्ट दिस इज ऑल सेविंग्स बिगेस्ट सेविंग्स गोटे रही सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय क्लास और सेशन है गिव योर कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स फॉर इंप्रूवमेंट और एनीथिंग्स दैट यू नीड टू नो ठीक है थैंक यू वेरी मच।